लोग भाई बड़ी बड़ी एलईडीज भी लगवा लेते हैं, उनकी गाड़ी में काफी अच्छी खासी लाइट होती है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि हम लाइट को सेटअप कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर ये लेवलिंग दी होती है, ये देख सकते हैं आप, और गाड़ी में हाई बीम लो बीम होता है तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए आपको वो करके दिखाता हूँ आज कि आपको कौन से बीम में गाड़ी को रखना चाहिए अपना नॉर्मली। तो हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, सबसे पहले तो अपने ओआरवीएम सेट कर लेते हैं भाई, ये सबसे पहली चीज है। वैसे ये वीडियो सिर्फ लाइट के लिए है, लेकिन ओआरवीएम सेट कर लिया है। अब जैसे आप देख सकते हैं बाहर बिल्कुल अंधेरा, मैंने फ्लैश जला रखी कार के अंदर, इसलिए थोड़ी रोशनी दिख रही है। तो मैंने पहले खाली अपने फॉग लैंप जलाए हैं, फिर मैंने कर दिए हैं ये देखिए, ये मेरी लो बीम है। मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, ये मेरी लो बीम है और मैंने इसे भाई जीरो पे कर रखा है, यहाँ से जीरो पे कर रखा है। लो बीम है मतलब ये बिल्कुल हाई है, मतलब पूरा ऊपर की तरफ जा रही है, जो मेरी लो बीम है ये पूरी ऊपर जा रही है। अभी देख सकते हैं आप काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, अगर मैं इसे हाई कर देता हूँ तो अभी दूर तक जाता है, लेकिन ऐसे एरिया में मुझे हाई की जरूरत नहीं है भाई, मैं लो बीम ही रख सकता हूँ। लेकिन हाई मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप हाई बीम में भी गाड़ी को कैसे क्या चला सकते हैं। दोबारा से गाड़ी को लो बीम कर देते हैं, ये देखिए हमने लो बीम कर दी है और जो रिस्पॉन्स है अब भी काफी अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं आप काफी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, रोशनी इसकी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में दिखाएंगे। तो हाई बीम और लो बीम का ये काम होता है, जैसे कि गलियों में शहर के अंदर रूल भी है भाई कि हमें लो बीम में ही कार को रखना चाहिए, हाई बीम में तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं है, गाड़ी को बाइक को सभी व्हीकल्स को अपना हाई बीम पे रखते हैं, तो उनकी वजह से जो अगला बंदा है फिर उसे भी हाई पे रखनी पड़ती है क्योंकि वो उसकी आंखों में लगता है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को आप लोकल में चला रहे हैं तो गाड़ी को आप लो बीम में ही रखें, उसे हाई में ना रखें बिल्कुल भी। अब लो बीम में है मेरी कार, आप रोशनी देखिए क्या भाई कुछ कमी है रोशनी की, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक जो इससे आपकी बैटरी की कंजप्शन है वो भी कम होगी। तो सारी चीजें भाई थोड़ा प्रैक्टिकल करो, सामने देख सकते हैं आप। अब हाई बीम लोग इसलिए करते हैं लोकल में भी, जैसे ऑटो आया है इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, अगर बंदा स्पीड में चल रहा हो तो भाई सीधी टक्कर लगेगी, ना इनके ब्रेक लगते, ये भाई महाबेवकूफ वाली चीजें होती है ऑटो के आजू सा, ये ना रिफ्लेक्टर है, ना हेडलाइट है, ना ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर डिपर है, हैजार्ड लाइट भाई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बंदों के लिए अगर आप हाई बीम रखोगे तो दूर तक दिखेगा। अब जैसे देखिए लो बीम है, मैं इसको सीधे होती गाड़ी के ऊपर हाई बीम कर देता हूँ, ये मैंने हाई बीम कर दिया, देखिए मुझे काफी दूर तक का रिस्पॉन्स गया है, लो बीम पे करती है अपना इतना हो गया। तो अब आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी को आप लोकल में चला रहे हैं तो लो बीम पे ही कार को चलाए, हाई बीम पे ना करें, हाई बीम पे हाँ अपना भाई हाईवे पे कर लें, और जो सिंगल रोड है भाई उस पे तो बिल्कुल ही ना करें आप हाई बीम पे कार को, उसको तो बिल्कुल ही लोकल उस पे लो बीम पे करके चलाए। तो वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगी हो लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।